नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों की शुरुआत करते हैं। नहीं रहे बॉलीवुड अभिनेता और बिग बॉस 13 के बिना सिद्धार्थ शुक्ला। मुंबई के कूपर अस्पताल में ली आखिरी सांस। महज 40 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद पूरे बॉलीवुड समेत टीवी जगत में शोक की लहर। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने जताई परिवार के लिए संवेदनाएं। लिखा, निधन की खबर पर विश्वास ही नहीं हो रहा। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद मुंबई पुलिस ने जारी किया बयान। कहा, शरीर पर नहीं है चोट के कोई भी निशान। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगी असल वजह। इससे पहले हृदय गति रुकने के चलते जताई जा रही थी मौत की आशंका। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने कई खिताब किए थे अपने नाम। साल 2005 में बेस्ट मॉडल के तौर पर बढ़ाया था नाम। उसके बाद टीवी सीरियल बालिका वधु से टीवी इंडस्ट्री में लहराया परचम। बाद में कई रियलिटी शोज में लिया था हिस्सा, लेकिन पहली बार बिग बॉस 13 का खिताब किया था अपने नाम। पंजाब कांग्रेस में आंतरिक कलह को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया बड़ा बयान। पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं होने के पंजाब प्रभारी ने दिए संकेत। कहा, जल्द ही सब कुछ ठीक करने की करेंगे कोशिश। कैबिनेट विस्तार और बदलाव के मुद्दे पर साधी चुप्पी। वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनलों के कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कुछ भी चला रहे हैं। यूट्यूब चैनलों पर चलने वाली फेक न्यूज पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कहा, फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए क्या है सरकार का प्लान। पूर्व राज्यसभा सांसद चंदन मित्रा का निधन हो गया। 65 साल की उम्र में ही दुनिया को कहा अलविदा। बेटे कुशान मित्रा ने ट्वीट कर दी निधन की जानकारी, जिसके बाद पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त कर अर्पित की श्रद्धांजलि। पूरे उत्तर भारत में डेंगू और वायरल बुखार पसार रहा है पैर। फिरोजाबाद में 34 से ज्यादा बच्चों की वायरल बुखार ने ली जान। मामले को लेकर सीएम योगी दिखे गंभीर। लखनऊ से स्वास्थ्य विभाग की टीम को किया रवाना। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, बीजेपी सरकार रसोई गैस की कीमत हर महीने बढ़ा रही है, साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम तो 3-4 महीने में 60-70 बार बढ़ जाते हैं, लेकिन किसान के गन्ने का रेट 3 साल से नहीं बढ़ा। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का हुआ निधन। 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस।
श्रीनगर के हैदरपुरा स्थित आवास पर हुआ गिलानी का निधन। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जताया शोक। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आधिकारिक शोक की घोषणा की। देश में कम नहीं हो रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 45,966 नए कोरोना केस किए गए दर्ज। एक दिन में कोरोना से 505 मरीजों की हुई मौत। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब 383,401 हुई। केरल में कम नहीं हो रही कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 32,803 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 173 लोगों ने तोड़ा दम। इसके बाद अब तक राज्य में कोरोना से 20,961 की मौत दर्ज की गई। पाकिस्तान और तालिबान की साठगांठ आई सामने। पाकिस्तान ने खुद को तालिबान का बताया संरक्षक। कहा, हमने तालिबान के लिए सब कुछ किया, पहले भी तालिबान की मिलीभगत से मिलते रहे हैं इनपुट। गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 के आयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय और गुजरात सरकार के बीच केवड़िया में MOU पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, इस बार डिफेंस एक्सपो 2022 का कार्यक्रम गांधीनगर में होगा, इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 17 से 20 सितंबर को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और 24 से 26 सितंबर को जोधपुर जाएंगे। वे यहां संघ कार्यकर्ताओं के साथ संघ कार्य, सेवा कार्य और कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के प्रशिक्षण आदि पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान इस कार्यक्रम में शिक्षक, माता पिता और छात्र शामिल होंगे। बता दें कि 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व का किया जाएगा आयोजन, जिसमें शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी सौंपा जाएगा। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह हुबली एयरपोर्ट पहुंचे। गृहमंत्री कर्नाटक के दौरा करने के सिलसिले में हुबली पहुंचे। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका जमकर स्वागत किया। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने किया केंद्र सरकार का विरोध। केंद्र की नीतियों पर खड़े किए सवाल। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बीते दिनों खुद पर राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुए हमले को लेकर की चर्चा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी की तस्वीर। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पिंकी चौधरी को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा।
दिल्ली के जंतर मंतर पर सांप्रदायिक नारेबाजी करने का लगा है आरोप, पुलिस को खुद किया था सरेंडर। कल शुक्रवार की नमाज के बाद अफगानिस्तान में सरकार बना सकता है तालिबान, विदेशी मीडिया के सूत्रों से मिली जानकारी। पहले 31 अगस्त को सरकार के गठन की कही थी बात। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसटीएफ का किया गठन। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई थी मौत। मामले में सीबीआई ने राज्य सरकार को ठहराया था जिम्मेदार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई के खिलाफ खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। लखनऊ में 17 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक। कोविड-19 से जुड़े सामान पर दरों की होगी समीक्षा, इससे पहले 12 जून को हुई थी बैठक। तालिबान नेता से भारतीय राजदूत की मुलाकात पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, भारत सरकार ये बताए कि तालिबान को आतंकी संगठन मानते हैं या नहीं। भारत में बड़े हमले की फिराक में आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान, खुफिया एजेंसियों ने दी हमले को लेकर जानकारी, सुरक्षा एजेंसियों को किया अलर्ट। तो यहां पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हो रहे हैं हाजिर, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एनबी न्यूज एक्सप्रेस में, खबरों को आगे बढ़ाते हैं। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला हरियाणा के नारनौल पहुंचे। नारनौल के सिटी मैरिज पैलेस में सक्रिय कार्यकर्ता अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर चौधरी देवीलाल की जयंती को लेकर चर्चा की। 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल के 108वें जन्मदिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजन करने पर हुई चर्चा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार भगवंत मान को सीएम का चेहरा बनाने की मांग की जा रही है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भगवंत मान के घर संगरूर में पहुंचे और भगवंत मान जिंदाबाद के नारे लगाए। कई विधायक भी भगवंत मान को मिलने के लिए संगरूर पहुंचे। केंद्र सरकार द्वारा जलियांवाला बाग के जीर्णोद्धार के दौरान शहीद ऊधम सिंह की प्रतिमा के स्वरूप में बदलाव के खिलाफ युवाओं में भारी आक्रोश है। यूथ अकाली दल पंजाब के सचिव एडवोकेट इंद्रजीत सिंह साव और यूथ अकाली दल पंजाब के राष्ट्रीय सचिव दिलप्रीत सिंह भट्टी के नेतृत्व में आज फतेहगढ़ साहिब जिला अदालत के सामने केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। हरियाणा के रेवाड़ी में नेशनल हाईवे 71 पर लठ के दम पर बदमाशों ने एक ट्रक चालक को रुकवाकर उससे 33,000 रुपए की नकदी लूट ली। वारदात मांढैया पुलिस के पास अंजाम दी गई।
मॉडल टाउन थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के पलवल में मुंडकटी थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो फरीदाबाद CIA में नकली इंस्पेक्टर बताकर लोगों से पैसे ऐंठता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, आरोपी ने कई लोगों से पुलिस का रौब दिखाकर अपने बैंक अकाउंट में पैसे भी डलवा लिए। यूपी के प्रतापगढ़ में अपराधियों की अब खैर नहीं। जिले में SP ने अपराधियों पर अंकुश लगाने को ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किए जाने का लिया फैसला। अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने को पुलिस के पहुंचने से पहले ड्रोन कैमरे से हवाई क्षेत्र से निगरानी की जा रही है। अपराधी पुलिस को देख भागने की कोशिश करते हैं तो कैमरे की निगाह से बच नहीं सकते। बीते दिनों ताजमहल का दर्शन करने आए कृष्ण स्वरूप पर्यटक को ताज में प्रवेश न देने का मामला अब गर्माता जा रहा है। ताज नगरी आगरा में इस मामले के बाद हिंदूवादी संगठनों द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं आज राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत संगठन ने प्रवेश द्वार पर ही जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। यूपी के हाथरस के बहुचर्चित बिटिया कांड को लेकर न्यायालय में आज सुनवाई हुई। पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा दिल्ली से हाथरस जिला न्यायालय पहुंची। न्यायालय में सुनवाई से पहले CBI के अधिकारी भी कोर्ट पहुंचे। 14 सितंबर 2020 को हाथरस की बेटी के साथ दरिंदगी की गई थी। न्यायालय में पीड़िता के भाई के आज बयान दर्ज किए गए। MP के भिंड जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मृत लोगों को भी वैक्सीन लगाने के अजीबोगरीब मामले भिंड में सामने आए हैं। भिंड शहर के चतुर्वेदी नगर में एक मृतक के नंबर पर वैक्सीन लगने का मैसेज आया, जिसे देखते ही मृतक के परिजन काफी हैरान रह गए। मध्य प्रदेश के बेटवा में अटावदा ग्राम पंचायत में अटावदा अग्राडी मार्ग पुलिया पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया जर्जर होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं बारिश के मौसम में पुलिया पर पानी आने के कारण 5 से 7 गांव का रास्ता बंद हो जाता है। आज इन्हीं समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने अपना आक्रोश जताया। हरियाणा के पलवल में आज कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने किया। इस अवसर पर किसानों पर करनाल में हुए लाठीचार्ज, बढ़ती महंगाई, बढ़ते अपराध के खिलाफ महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पंजाब के मानसा के गांव भैड़ी बाघा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में 9 सदस्यों का स्टाफ तैनात है, लेकिन अब महज 3 ही सदस्य काम कर रहे हैं। 6 गांव के साझे इस बैंक में स्टाफ की कमी से लोग परेशान हैं और लोगों को अपने बैंक के साथ कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके खिलाफ गाँववासियों ने बैंक के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार फिलहाल जिले के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह जन जागरूकता फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर तमाम वार्डों में जाकर जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने लोगों से अपील की है कि अपनी कूलरों के पुराने पानी को बदलें, गमलों से पुराने पानी को निकालें, गंदगी को दूर करें। हरियाणा के पलवल में घरों में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 3रे सदस्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए हुए लाखों रुपए के सोने के आभूषणों को भी बरामद कर लिया। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के एक और मंत्री की जुबान फिसल गई। गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूर्व मुख्यमंत्री बता दिया, जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मंत्री जी का खूब मजाक उड़ाया। इसके साथ ही उक्त वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। मंत्री गणेश जोशी ने मंच से मुख्यमंत्री धामी को पूर्व मुख्यमंत्री बता दिया। यूपी के संभल में किसान महापंचायत में किसान हजारों की तादाद में उमड़ पड़े। महापंचायत में कई किसान शामिल हुए। किसान मोर्चा के आह्वान पर बिजली घर के मैदान में महापंचायत शुरू हुई। भारतीय किसान यूनियन असली ने महापंचायत आयोजित की। कृषि कानून बिल के विरोध में आयोजित महापंचायत सदर संभल में हुई। आए दिन एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते पंजाब के बठिंडा में अनोखे ढंग से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। सड़क पर बैठे व्यक्ति विजय कुमार ने गले में सिलेंडर लटकाकर मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी जलाकर रोटी बनाई और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा कि रीजनल डायरेक्टर की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी के अलावा शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के रिश्तेदारों को नौकरियां दी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने कुलपति और उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर रानी पोखरी में वैकल्पिक पुल रविवार तक तैयार हो जाएगा। वैकल्पिक पुल का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव ने इस पुल को लेकर कहा कि ऋषिकेश मार्ग पर वैकल्पिक पुल रविवार तक तैयार कर लिया जाएगा। इसकी तैयारी तेजी से चल रही है। पिछले दिनों भारी बारिश की वजह से रानी पोखरी पुल धराशायी हो गया था। यूपी के बस्ती में कुआनो नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से मुड़घाट गांव के लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। इस गांव के लोगों का कहना है कि बाढ़ का पानी उनके घरों तक पहुंच गया है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, जिससे उनके गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जुडिशियल कमीशन ने विक्रू कांड की जांच में 132 पेज की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 13 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। दोषियों में तत्कालीन डीआईजी अनंत देव भी शामिल हैं। पूर्व जस्टिस डॉक्टर बीएस चौहान की अध्यक्षता में ये न्यायिक आयोग बनाया गया था। इसकी जांच में कई खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने विकास दुबे पर सख्ती बरतने की जगह नरमी बरती थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में जल संस्थान के कर्मचारी को फोन न उठाने पर तालिबानी सजा मिल गई। इलेक्ट्रीशियन कर्मचारी को फोन न उठाने पर जलकल विभाग के जेई ने पूरी तरीके से मार लगाई। डिप्रेशन और बुखार से इलेक्ट्रीशियन कर्मचारी परेशान था। फोन न उठने पर साहब ने तालिबानी सजा दे डाली। अब पीड़ित कर्मचारी तहरीर लेकर थाने पहुंचा है। यूपी के आगरा में सोशल मीडिया पर लाइव पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो आगरा के थाना शाहगंज के मराठा बस्ती टंकी के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में पथराव करने वाले जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं। वीडियो कल सुबह का बताया जा रहा है। सूचना पर थाना शाहगंज पुलिस कई लोगों को हिरासत में ले चुकी है। यूपी के लखनऊ में काकोरी की ग्राम पंचायत गोपरामऊ में
सड़कों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। ग्राम पंचायत गोपराबो में सड़कों की खराब स्थिति होने से गाँव वासियों के साथ साथ राहगीरों को भी भारी परेशानियां हो रही हैं। खराब रास्ते की वजह से राहगीर चोटिल हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कई बार अवगत करवाने के बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यूपी के अमेठी में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 11,000 वोल्टेज की लाइन के लटकते तार की चपेट में आने से 60 वर्षीय किसान की मौत हो गई। आनन फान में परिजन सीएचसी अमेठी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो एनबी न्यूज एक्सप्रेस में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।